Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello. Good evening to all of you. Very good evening to all of you. A warm welcome to Testbook. Very good evening to all of you. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, आप लोगों को पता ही है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जल्दी से क्विक रिवीजन, बहुत सारे क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे, जल्दी जल्दी से आंसर देते रहना है, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड और कुछ नए क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप जल्दी जल्दी से जितनी भी चीजें आप लोगों ने प्रीवियस मंथ में करंट अफेयर पढ़े हैं एक क्विक रिवीजन के थ्रू आपके नजरों के आगे से बहुत सारी चीजें निकल जाए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं, ज्यादा कमेंट भी नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा सेशन चलाएंगे। वेरी गुड इवनिंग सर्विया, रूबिका, निखिल, नागौर, वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सेशन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और साथ साथ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया होगा, हर एक क्लास की पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर ही अवेलेबल होती है। साथ में आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई भी पर्सन नए सिरे से बैंक की तैयारी स्टार्ट करना चाहता है आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो वो इस बैच कोर्स को अटेंड कर सकता है जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें आप लोगों को 375 प्लस लाइव सेशंस मिलने वाले हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी और बहुत सारे नए नए फीचर्स के साथ आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। इसके अंदर आपको 18,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 110 प्लस टेस्ट, 200 प्लस पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप टेस्ट बुक से इस कोर्स को परचेज करते हैं, मेरे कूपन कोड से आप इंस्टेंट 20% डिस्काउंट ले सकते हैं, या आपका कोई भाई है या आपके कोई कजन्स हैं अगर वो इसकी तैयारी में लग चुके हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। इस कूपन कोड को यूज करते हुए आप लोग 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। माय कूपन कोड इज CHIRAG CHIRAG M, ये कूपन कोड से आप इंस्टेंट 20% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं और इस बैच में ये फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। देखो, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत ही जल्दी जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग सुमन, रोहन, झाकर जी, वेरी गुड इवनिंग सर्बिया, रूबिका, निखिल। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी से आंसर देना है। ठीक है, मैं सिर्फ कमेंट में ये पढ़ूंगा कि हाँ किसने आंसर दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, व्हेन इज वर्ल्ड रोज डे? रोज डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड इन डेडिकेटेड द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। बात क्या चल रही है, वर्ल्ड रोज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रोज डे, और ये वो वाला रोज नहीं है, ये स्पेसिफिकली ये यहां पर नाम रखा गया है एक डॉक्टर के नाम पर। चलिएगा, आप लोगों को बताना है ये कैंसर पेशेंट्स को समर्पित है। वेरी गुड, कैंसर पेशेंट को समर्पित है, बहुत बढ़िया। ये रोज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 22nd ऑफ सितंबर को। चलिएगा, वेरी गुड, 22nd ऑफ सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं? रोज डे। चलो आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन सितंबर 2021 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद द वन कार्ड? कौन से बैंक ने वन कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर द मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड? मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए कौन से बैंक ने वन कार्ड नाम की जो पेमेंट कंपनी है ना, वन कार्ड नाम की जो पेमेंट कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सेशन, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर आप लोग बता रहे हैं, वेरी गुड, आंसर साथ साथ जल्दी जल्दी से देते रहो। तो कौन से बैंक ने वन कार्ड के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, उस बैंक का नाम क्या है? फेडरल बैंक। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में वन कार्ड के साथ एग्रीमेंट को साइन किया है। अगला, G4 कंट्रीज की बात चल रही है, G4 कंट्रीज में कौन आते हैं? इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान। इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान, इनकी अभी हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो हुई थी, बात ये चल रही है, मीट इन साइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन विच सिटी इन सितंबर 2021। बात ये चल रही है G4 कंट्रीज के, जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, किस देश में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की है, कौन से प्लेस पर, कुछ शहर की बात चल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सभी को पता है, यहां पर यूनाइटेड, जो हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वो कौन सी है? 76th है। और जल्दी जल्दी से इसके प्रेसिडेंट भी बता दो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं?
जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। और अभी G4 कंट्री के नेता फॉरेन मिनिस्टर कहां पर मिले हैं? वेरी गुड, ये कहां पर मिले हैं? न्यूयॉर्क में। कहां पर मिले हैं? न्यूयॉर्क के अंदर ही मिले हैं। क्लियर हो गई बात? चलेगा, बिल्कुल सही चंदाना जी। अब्दुल्ला साहिद, अब्दुल्ला साहिद कौन से देश के फॉरेन मिनिस्टर है? जल्दी से ये भी बता दीजिएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताना होगा अब्दुल्ला साहिद का संबंध कौन से देश से है, क्या मालदीव के हैं क्या? चलिएगा, वेरी गुड, सभी ने आंसर सही दिया है। अब्दुल्ला साहिद, अब्दुल्ला साहिद न्यूयॉर्क, आपको पता चल गया। और यहाँ पर मैंने साथ साथ लिख भी दिया है अब्दुल्ला साहिद, अब्दुल्ला साहिद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अब्दुल्ला साहिद। मालदीव्स की बात चल रही है, मालदीव्स के जो मंत्री हैं उन्होंने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। क्लियर होगी बात? सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अभी हाल ही में तूफानों की बात चल रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म हिट द कोस्ट ऑफ द रोडे आइलैंड पैकिंग हाई विंड्स एंड अ बैंड ऑफ रेन दैट लेड टू फ्लैश फ्लडिंग फ्रॉम द न्यू जर्सी टू मैसाचुसेट्स। तो बात क्या चल रही है? अभी तूफान, कौन सा तूफान न्यू जर्सी से मैसाचुसेट्स तक बाढ़ लेकर आया है? तूफान का नाम, दो तीन तूफान तो आपको पता ही है, अरे तोकाते पता है, यास पता है, और अभी कौन सा है? गुलाब। तीनों के तीनों जल्दी जल्दी से लिख दो। तोकाते कौन से देश के, तो कौन से देश ने तोकाते शब्द दिया था? यास किसने दिया था? और तीसरा कौन सा है? गुलाब, गुलाब शब्द। ये तीनों के तीनों साइक्लोन आप लोगों को याद रखने हैं। चलेगा, वेरी गुड, यहाँ पर आप लोगों ने बता दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो चंदाना जी, वेरी गुड। यहाँ पर पहले तो इस तूफान का नाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो बाढ़ आई है उसका नाम क्या रखा गया था? ठीक है, आइलैंड, वो तूफान का नाम क्या था? हेनरी। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, हेनरी ये पता चल गया। उसके बाद आप लोगों ने आंसर सही दिया। तो काते की बात कर लेते हैं। अरे तो काते म्यांमार या मलेशिया? ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। तो काते म्यांमार, यास की बात कर लेते हैं तो ओमान। वेरी गुड, वेरी गुड। तो काते म्यांमार, यास जो है वो ओमान है, और गुलाब पाकिस्तान। ठीक है, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। तो काते, यास और हमारा तीसरा कौन सा है? गुलाब। ठीक है, और कौन कौन से देश से शब्द आए थे वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, कौन से देश से शब्द आए थे वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है। चलो अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। वेरी गुड प्राजक्ता, बिने, अंजना, वेरी गुड झाकड़ जी, अनुराग, चंदाना जी, ऋषभ, नागौर, शिवानी, वेरी गुड हिरांति। देखो अगला क्या आता है, विच स्टेट हैज अपॉइंटेड अनिरुद्ध तिवारी एज अ चीफ सेक्रेटरी इन सितंबर 2021। सितंबर 2021 में अनिरुद्ध तिवारी कौन से राज्य के चीफ सेक्रेटरी बने हैं? तो जल्दी से बता दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, साजिया खान जी, वेरी गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बताओ, यहां पर बात चल रही है अनिरुद्ध तिवारी। जल्दी जल्दी से आंसर देते रहो। ठीक है, अरे देर मत लगाया करो। ठीक है, सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध तिवारी कौन से राज्य के क्या बनाए गए हैं? चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर आंसर आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर देते रहिएगा जल्दी जल्दी से, बहुत फास्ट में, क्योंकि सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी है। और उस स्टेट की मैं बात करूंगा तो उस स्टेट से रिलेटेड सारे फैक्ट भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, आंसर कोई बात नहीं, सबका गलत है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि देखते हैं कौन आंसर सही देता है। कोई बात नहीं, तो ये बने हैं पंजाब के। कौन से राज्य के बने हैं? पंजाब के। पंजाब के नए जो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? अनिरुद्ध तिवारी। एक के पीछे एक मत लगा करो। ठीक है, मैं इसलिए वेट कर रहा था, मैं देख रहा था कौन सही देता है, इसलिए मैं वेट कर रहा था ज्यादा से ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, तो पता चल गया अनिरुद्ध तिवारी कौन से राज्य के नए सेक्रेटरी बने हैं, चीफ सेक्रेटरी बने हैं, पंजाब। तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं सारी न्यूज। पंजाब के बारे में सारी न्यूज सबसे पहले क्या आती है? आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना, 51,000 रुपए दिए जाएंगे कन्याओं की शादी पर, वीकर सेक्शन की। ठीक है, सोनू सूद जी को एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, ठीक है, एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, पंजाब के अंदर उड़ान योजना,
उड़ान योजना जिसके अंदर सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वुमेन्स को, ठीक है, और फ्री में ये बांटे जाएंगे, पता चल गया। और आपको पता है, अब जल्दी से मुझे ये बता दो, वुमेन्स को सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन सा बना था? सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री करने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन सा बनाया गया था? ये उड़ान योजना वो नहीं है, उड़े देश का आम नागरिक, वो एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। ये उड़ान योजना पंजाब गवर्नमेंट की है जिसमें सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इतने में जल्दी से उस बात का आंसर दे दो, वर्ल्ड का पहला देश जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री किया था वुमेन्स के लिए कौन है? नहीं, नीदरलैंड नहीं है, स्कॉटलैंड सही है, बिल्कुल सही है अनुराग, स्कॉटलैंड बिल्कुल सही है, वेरी गुड, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड, वेरी गुड हिरांति, वेरी गुड, चलेगा, वेरी गुड चंदाना जी, स्कॉटलैंड है। चलो, बनवारीलाल पुरोहित क्या बने हैं? गवर्नर बने हैं, किसके? पता चल गया, हमारे पंजाब के। पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब के एक्स सीएम, अब तो एक्स हो गए ना, पंजाब के एक्स सीएम अमरिंदर सिंह जी ने अनाउंस किया था नया डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला। मलेरकोटला 23rd डिस्ट्रिक्ट बना था, किसका? पंजाब का। ठीक हो गई बात, अब तो चन्नी जी बन गए। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क पंप, ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक कहां पर लगाया गया था? पंजाब में। ये लगाया गया था पंजाब के लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में लगाया गया था ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक लगाया गया था, ठीक है। पंजाब के अंदर कोविड फतेह प्रोग्राम, कोविड फतेह प्रोग्राम, यहां पर कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना मुक्त पिंड अभियान के अंदर, कोरोना मुक्त पिंड अभियान के अंदर कोविड फतेह प्रोग्राम पंजाब का है। तो ये सारी बातें आपको पंजाब के बारे में पता चलती है। इंडियन ग्रैंड प्री जो पटियाला में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, इंडियन ग्रैंड प्री कहां पर हुआ था? पटियाला में हुआ था, जून में। चलो फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। मेरा नाम हाँ बिल्कुल, आपका नाम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अनुराग जी, वेरी गुड, साजिया खान, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है चलेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें फिर, अगला क्वेश्चन क्या आता है? नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने अभी हाल ही में इज प्रिपेयरिंग टू ओपन अ 7 फुलकारी सेंटर, बच्चों के अंदर मॉल न्यूट्रिशन की कमी ना हो, ठीक है, जिस कारण से नेशनल जो नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड है उसने मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में 75, बात चल रही है फुलकारी सेंटर, 75 फुलकारी सेंटर खोलने की तैयारी की है। तो जल्दी से बता दीजिएगा मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, स्कीम बता रहे थे आप, बिल्कुल सही। तो जल्दी से बताना है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड वाला, ठीक है, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही गलत का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहीं पर ही गलत करते रहो, ठीक है, एग्जाम में गलत नहीं करना है। चलो कौन सा है? उसका है सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मॉल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए फुलकारी प्रोजेक्ट के अंदर फुलकारी सेंटर लगाए जाएंगे, ठीक है। और मॉल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए क्या था, मैंने आपको बताया था बजट में निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया था, निर्मला सीतारमन जी ने पोषण अभियान को मर्ज कर दिया था, अरे याद है ना, पोषण मिशन को मर्ज कर दिया था सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के साथ, और यहाँ पर कौन सा बना दिया था, पोषण 2.0, प्राइम मिनिस्टर ओवर रियार्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, अब तक तो रट चुका होगा। चलो उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं अनीमिया मुक्त भारत में, अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा राज्य आया था? तो पहले नंबर पर अनीमिया मुक्त में कौन सा आता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहां पर पहला, फर्स्ट टाइम इन इंडियन रेलवे, हबीबगंज स्टेशन जिसको 5 स्टार मिले हैं इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल डिजाइन के लिए, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल डिजाइन के लिए 5 स्टार मिले हैं, किसका? मध्य प्रदेश का हबीबगंज स्टेशन, मध्य प्रदेश का हबीबगंज स्टेशन को। मध्य प्रदेश किसानों को DBT, यहाँ पर बात ये चल रही है, देखो मध्य प्रदेश बिकम द पहला स्टेट, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिन्होंने किसानों को पावर सब्सिडी दी है। पावर सब्सिडी समझते हैं ना, पावर सब्सिडी मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी मिलती है वो सीधा उनके अकाउंट में जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पर जो सब्सिडी है वो उनके अकाउंट में जा रही है डीबीटी के थ्रू। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, SBI अप्रेंटिस में फुल फॉर्म आई थी ना इसकी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। मध्य प्रदेश गेट प्रिपेयर्स आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम जिसका नाम क्या है? देवारण्या योजना,
देवारण्य योजना, सिर्फ इतना सा याद रखना है। देवारण्य योजना कौन से राज्य की है? आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है। पंख अभियान, पंख अभियान गर्ल्स के लिए, पंख अभियान गर्ल्स के लिए यहाँ पर पता चला कौन सा, किसने शुरू किया था पंख अभियान गर्ल्स के लिए? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है। उसके बाद बात करते किल कोरोना थ्री कैंपेन, किल कोरोना थ्री, किल कोरोना थ्री, किल कोरोना थ्री मध्य प्रदेश। ठीक है। योगा से निरोग प्रोग्राम, योगा से निरोग प्रोग्राम मध्य प्रदेश, ये भी ठीक है। इंदौर क्लीन एयर में, क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में इंदौर सबसे पहले नंबर पर रहा था। स्मार्ट सिटी में भी यही रहा था, इंदौर और सूरत, स्मार्ट सिटी में भी इंदौर और सूरत रहे थे, क्लीन सिटी कैटलिस्ट प्रोग्राम में भी पहले पर कौन रहा है? इंदौर रहा है। ठीक है। अंकुर योजना, अंकुर योजना किसकी है? मध्य प्रदेश की। सारी चीजें इकट्ठा बता रहा हूं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति किसकी है? मध्य प्रदेश की। ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व विंस द नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरो अवार्ड। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, आपको पता ना सतपुड़ा कहां पर है? सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने जीता है नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरो अवार्ड। ठीक है। उसके बाद हमारा मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल ने अभी हाल ही में गवर्नर बने हैं, किसके? मध्य प्रदेश के। मंगू भाई पटेल किसके गवर्नर बने? मध्य प्रदेश के। तो ये सारी बातें आपको किसके बारे में पता चलती हैं? चल गया पता? चलेगा। थैंक यू सर, आपके सारे सेशंस काफी हेल्पफुल हैं। विधि जी थैंक यू सो मच, विधि पांचाल, चलेगा बिल्कुल सही। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सारे सारे आप लोग आंसर बिल्कुल अच्छे दे रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बात करें। अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, वेरी गुड। तो एक एक थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि बहुत सारी चीजें आपकी नजरों के आगे से निकल जाए। बस मेरा ये मेन मोटिव है, कल आप लोगों को ऐसा देखे, इतना लगे ये तो देखा देखा है, ये तो सुना सुना है, बस ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि अगर देखा देखा सुना सुना लग जाता है ना, माइंड पे जोर डालने पर आंसर भी याद आ जाता है। आपको देखा होगा ना, किसी आपने किसी पर्सन को देखा है और आप कहते हो ये बंदा तो देखा देखा सा लग रहा है। ठीक है। अरे वो फिल्मों वाले काम की बात नहीं चल रही है, ऐसे किसी को जबरदस्ती मत कह देना देखा देखा से लग रहे हो आप। तो चलो, तो बात ये चल रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने जो एससीओ की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया, बात ये चल रही है एससीओ की मीटिंग कहां पर है? सिंपल है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर लिख दो जल्दी से। एससीओ का नया मेंबर कौन सा बना था? मीटिंग आपको पता है 2021 वाली जो मीटिंग है वो तजाकिस्तान में, कहां पर चल रही है? तजाकिस्तान के अंदर। ठीक है। अगली कहां होनी है ये भी याद रखना है। 2022 वाली जो हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग है वो होनी है उज्बेकिस्तान में, याद रखना है। एससीओ की जो अगली मीटिंग होनी है 2022 वाली, वो कहां पर होनी है? उज्बेकिस्तान में। कौन सा है? उज्बेकिस्तान। अभी का है तजाकिस्तान, 2021 तजाकिस्तान, 2022 उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलेगा। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड साजिया नागौर, वेरी गुड अनुराग, चलो बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट पर। ठीक है, ईरान, 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 ये भी आप लोगों ने सही आंसर दिया है। जो एससीओ का नया मेंबर बना है वो ईरान बना है। कौन सा बना है? ईरान। चलो अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। वेरी गुड अभिषेक चंदाना जी। चलो अगला क्वेश्चन क्या बनता है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट एड डे, जल्दी से आंसर देते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, तो बहुत बढ़िया देते हैं आप लोग। ठीक है, बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक बार टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, सर मेरी ज्वाइनिंग आ गई। ठीक है, चलेगा। वेरी गुड। तो वर्ल्ड फर्स्ट डे की बात कर लेते हैं, तो वो 11th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11th ऑफ सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट डे मनाया जाता है। 11th ऑफ सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट डे मनाया जाता है, चलेगा। आगे क्या आता है? SBI कार्ड्स के बारे में क्वेश्चन है। SBI के रिलेटेड न्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सोल्ड अ 3.5% स्टेक इन SBI कार्ड्स? और मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने प्रीवियस सेशंस लिए हुए हैं सारे के सारे सेशंस अच्छे तरीके से देखना, SBI अप्रेंटिस वाले भी और RRB वाले भी, सारों में नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस नजर मारनी है, जल्दी जल्दी से पढ़ देना होगा, अभी तक तो पढ़ भी लिए होंगे। बात ये चल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सोल्ड, किसने बेचा है अपना 3.4% हिस्सा SBI कार्ड में से, SBI कार्ड में से 3267 करोड़ में ओपन मार्केट ट्रांजेक्शंस में, किसने SBI कार्ड में से अपना 3.5% हिस्सा जो है वो बेच दिया? कौन बताने वाला? बिल्कुल सही आंसर सभी ने दिया, CA Rovers। ठीक है, क्या नाम है? CA Rovers Holdings ने, CA Rovers Holdings ने बेच दिया है अपना हिस्सा। क्लियर है? वेरी गुड। आंसर क्या है? CA Rovers Holdings, CA Rovers Holdings ने अपना हिस्सा बेच दिया है।
क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। स्ट्रीट वेंडर, अरे सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर कहां पर देखे गए हैं, ये तो आपको पता है ना, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर, और इसके लिए योजना भी पता है, पीएम स्वनिधि योजना। अरे कौन सी है, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसमें कितना लोन मिलता है, पहले 10,000 मिलता है, 10,000 पे कर दो तो 20,000 मिलेगा, 20,000 पे कर दो तो 50,000 मिलेगा, है ना, पता है ना कितना कितना लोन मिलता है, चलिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में, सबका आंसर बिल्कुल सही है, यूपी यूपी यूपी, वेरी गुड रूबिका, वेरी गुड अनुराग, निखिल, ऋषभ, चंदाना जी, वेरी गुड, झाकड़, साजिया, नागौर, अंजना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पता चल गया आप लोगों को, यूपी सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर कहां पर है, यूपी में। चलो अगला, मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी पर चैरिटी डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल चैरिटी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी पर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, बिल्कुल सही, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कब मनाया जाता है, 5th of September को, 5th of September इज ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल चैरिटी डे, इंटरनेशनल चैरिटी डे, सही है, बिल्कुल। आगे आगे बात करते हैं, ये तो आपको पता ही है, नए चीफ स्टाफ कौन बने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये तो अभी अभी आपको पता है, 1 तारीख से, कल ही संभालेंगे, चलो जल्दी से बता दो, नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं, बिल्कुल सही, ये तो आपने पहले भी मुझे बता दिया था, विवेक राम चौधरी जी, ठीक है, वी आर चौधरी जी बनाए गए हैं, बिल्कुल, टीचर्स डे भी मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, विवेक राम चौधरी जी। अगला, गवर्नमेंट ने अभी बात ये चल रही है, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर बढ़िया दे रहे हैं मोहित, वेरी गुड, द गवर्नमेंट इज फाइनलाइजिंग हाउ मेनी रुपीज वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स इंक्लूडिंग नेशनल हाईवेज एंड पावर ग्रिड पाइपलाइन विच वुड बी मोनेटाइज्ड। बात क्या चल रही है, अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनलाइज कर लिया है इंफ्रास्ट्रक्चरिंग एसेट्स इंक्लूड हाईवे को, मतलब मोनेटाइज का मतलब होता है उसका ना कुछ लीज पर दे देना, किराए पर दे देना, वहां से पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां से पैसा निकालने के बारे में जो डिसीजन लिया है, वो कितना पैसा निकालने के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है, चाहे लीज पर दे, थोड़े समय के लिए उनको यूज करने के लिए दे, वो होता है मोनेटाइज करना, चलेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है 6 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 6 लाख करोड़ रुपए, तो यहाँ पर पता चल रहा है हाईवे सेक्टर में, और इसके लिए तो वो फंड भी बनाया गया था ना, आपको बजट में बताया था, बजट में बताया था NHAI इन्वेस्टमेंट, NHAI इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, याद रखना, बजट के अंदर पढ़ाया हुआ मैंने, ठीक है, और बजट से क्वेश्चन गारंटेड है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, ठीक है, SBI है, बजट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चलिएगा। आगे बात कर लेते हैं, अगला, ये तो आपको पता है, इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल की बात चल रही है, तो कौन सी सिटी में हुआ, कौन सी सिटी में होगा, तो ये तो सभी बिल्कुल ही सिंपल है, गोवा गोवा गोवा, बस आपको ये याद रखना इस बार का एडिशन 52nd है, कौन सा एडिशन है, 52nd एडिशन है। चलो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात चल रही है, ये क्वेश्चन तो एज इट इज सिंपल है, मैं ही बताऊंगा, 76, ठीक है, अब्दुल्ला। आगे बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद अवार्ड, स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड, स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए किसको दिया गया है। बफर तो नहीं कर रहा है अब ठीक चल रहा है, ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है, चलिएगा, अब तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आनंद कुमार जी को, आनंद कुमार जी को कौन सा अवार्ड मिला, ब्रह्मानंद अवार्ड, कौन सा अवार्ड है, ब्रह्मानंद अवार्ड एजुकेशन, अरे सुपर, वो पता है ना, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर 30 वाले, चलिए, ब्रह्मानंद अवार्ड। अब मैं ना यहाँ पर ना मैंने सारी लिस्ट लिख दी है, एक बार बात सुन लो, मैंने सारी लिस्ट लिख दी है जो प्रीवियस अवार्ड मिले थे, चाहे वो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ विद्युत मोहन जी को मिला हो प्रीवियस में 2020 का, चाहे वो एंटोनियो गुटारेस जी को हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड एक एनजीओ को हो, ये सारी लिस्ट लिख दी है, और ये लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ पीडीएफ के पीछे, सारी लिस्ट, चाहे वो जोवेंटस के प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर देना हो अवार्ड, चाहे वो इंडियन रेलवे को हो, बिहार गवर्नमेंट को हो, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा हो, चाहे वो पंडित राजीव
तारानाथ जी हो, चाहे वो ताहिरा कुतुबुद्दीन हो, ये सारे के सारे मैंने अवार्ड यहाँ पर लिख दिया है वर्ल्ड का सिनेमेट कोरियोग्राफर को, वर्ल्ड में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड सुरेश मुकुंद जी को हो, चाहे वो किसी भी टाइप से यहाँ पर महेंद्र गिरी जी को अवार्ड दिया गया है। सारे अवार्ड की लिस्ट आपको मैंने यहाँ पर दे दी है, यहाँ पर ये सारे अवार्ड की लिस्ट आपको मिल जाएगी। रुडोल्फ सचिंगर अवार्ड ये किसको मिला है, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। चाहे वो अमृत्या सेन जी को अवार्ड देने की बात करें, स्पेन का जो सबसे टॉप अवार्ड है वो दिया गया है। प्रोफेसर सी एन आर राव जी को जो अवार्ड दिया गया है वो भी आप लोगों को पता है, एनी अवार्ड, इंटरनेशनल एनी अवार्ड, इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज, यहाँ पर वाइटले अवार्ड, अगर मैं बात कर लेता हूँ किसी भी टाइप से, शेख जैयद बुक अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, पैन पिंटर अवार्ड, ये सारे अवार्ड की लिस्ट आपको मिलने वाली है। मैं यहाँ पर पढ़ पढ़ कर सुनाऊंगा तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यार ये सारी चीजें एक बार पढ़ना है, आपने रिवाइज करना आज रात में, ये सारी पीडीएफ एक बार पढ़ लेना। वर्ल्ड फूड प्राइस किसको मिला था, शकुंतला जी को। टेम्पलटन अवार्ड किसको मिला था, जेन गुडेल को। उसके बाद बात करते हैं यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला था, के शैलजा जी को कौन सा प्राइज मिला था, इंदौर और सूरत को कौन सा प्राइज मिला है, मोहन बागान रत्न किसको मिला है, डब्लिन लिटरेरी प्राइज किसको मिला है, ये सारे अवार्ड मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए, टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला है, यूनेस्को किंग सहयोग लिटरेरी प्राइज किसको मिला है, बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड किसको मिला है, रैमन मैग्सेसे, ये सभी अभी के अवार्ड है, ये ठीक है अभी के अवार्ड है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है, और वो बांग्लादेश की जो लड़की जिसको बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने अवार्ड दिया था, ये मैंने सारे अवार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, पढ़ लोगे ना, अरे पढ़ लोगे सर, पीडीएफ मिली नहीं टेलीग्राम पे सीधा दे देना। दिव्या जी वो टेलीग्राम पर वो मैं लिंक तो वहां पर आपके सामने मैंने शेयर कर ही रखा है प्रीवियस वीडियो का भी, वो लिंक से एक बार ऐप में जाना पड़ेगा, ऐप से डाउनलोड हो जाएगी वो, ठीक है वो डायरेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है वो लिंक आपके सामने शेयर कर दिया, वो एक मिनट लगेगा ऐप को लॉग इन करने में, ठीक है चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर वहां से डाउनलोड हो जाएगी बिल्कुल एज इट इज, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर मेरे वाले, तो मैं आपके वहीं पर ही सॉल्व कर दूंगा सॉल्व, ठीक है चलेगा। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इम्पैनल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हमारा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो उसको डाटा स्टोरेज करने के लिए क्लाउड स्टोरेज चाहिए होती है, उसके लिए उन्होंने किसे एम्पैनल किया है, किसे मनोनयन किया है, मतलब किसे चुना है, तो वो कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम है ओरेकल। ओरेकल के थ्रू हमारा सारा का सारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना सारा का सारा डाटा वो किसके थ्रू स्टोर करेंगे, ओरेकल के थ्रू सारा डाटा वो मैनेज करेगा ओरेकल, ठीक है वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर बात ये चल रही है, यहाँ पर मैच करना है, ये आप लोग मैच बाद में करना, ठीक है क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है पुराने, इन विच कंट्री टू डिस्कस द एनहांसमेंट ऑफ बायलेटरल एक्सचेंज बिटवीन द एयर फोर्सेस ऑफ टू कंट्री। बात क्या चल रही है, जो हमारे चीफ एयर मार्शल जिनका नाम राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वो अभी कौन सी कंट्री में हमारे देश के और उस देश के बीच में एयर फोर्सेस के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, बायलेटरल एक्सचेंज करने के लिए अभी किस देश में गए थे, कह सकते हैं ये कौन बताने वाला है, वेरी गुड, तो बात चल रही है इजराइल, कौन सा देश है, इजराइल, 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 सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड अंकित बा, बहुत बढ़िया, इजराइल, 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 इजराइल। अगला, इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम has reported over how many lakh cyber security incidents in the country during the first half of 2021 का जो first half गया है, कितने cyber security incidents देखे गए हैं, तो जल्दी से बता दीजिएगा, very good, अभी तो buffer नहीं हो रहा है अंजना जी, ठीक है चलेगा, कितने साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स देखे गए हैं, 6.07 लाख इंसिडेंट्स देखे गए हैं किसके, साइबर सिक्योरिटी के, क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब
Schedule Tribe Order Bill 2021 seek to amend the constitutional rest to the Schedule Tribe as a recommended by which state? कौन से राज्य ने जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड अभी एक बिल पेश किया था जिसके अंदर हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो बात ये करनी है उसके अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, कौन से राज्य ने शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड इस बिल को प्रेजेंट किया था, उस राज्य का नाम क्या था। वेरी गुड, तो उस राज्य का नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश ने इस बिल को प्रेजेंट किया था। आगे बात कर लेते हैं, हमारा अगला क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन असेसिबल इलेक्शन 2021 इन सितंबर 2021। बात क्या चल रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन असेसिबल इलेक्शन। तो बात यहां पर सिंपल सा है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में सुगम्य 2021 पर एक आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? जल्दी से बता दीजिएगा कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इस। वेरी गुड वेरी गुड। तो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमिश्नर तो पता ही आपको कौन है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये 24th है ना, और इनके नीचे दो कौन है, इलेक्शन कमिश्नर है, ये भी आपको याद है नाम, है ना, चाहे वो हमारे सुशील चंद्रा हो, सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अनूप चंद्रा इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सुशील चंद्रा कौन से नंबर के, 24th है, 24th है ना, 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, उनके नीचे दो इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन से, अनूप चंद्रा और राजीव कुमार। चलिएगा, बिल्कुल सही है आप लोगों के आंसर। अंकित बा, साजिया, चंदाना जी, झाकर, नागौर, स्नेहा, अंकित बा, ऋषभ, निखिल, अनुराग। चलिएगा, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, फिर सारे आईआईटी के बारे में बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे। कौन से आईआईटी ने कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी को बनाया था? आईआईटी से सारी रिलेटेड न्यूज दे चुका हूं मैं पहले, जितने भी आईआईटी अभी न्यूज में चल रहे थे। कौन से आईआईटी ने अभी हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी को अपनाया है, उस आईआईटी का नाम क्या? वेरी गुड, तो आईआईटी का नाम क्या है, आईआईटी कानपुर। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं, कल ही सारे आईआईटी के बारे में बता, परसों सारे आईआईटी के न्यूज मैंने इकट्ठे दे दिए थे। अगला, आशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फॉरेन मिनिस्टर हैज अपॉइंटेड अरवन यूसुफ as a special envoy to Myanmar. He is a foreign minister of which country? बात ये चल रही है, आशियान ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है अरवान यूसुफ को, कहां पर, म्यांमार में, स्पेशल एनॉय, स्पेशल दूत अपॉइंट किया है आशियान ने। आशियान का हेडक्वार्टर कहां पर है, इंडोनेशिया में, जकार्ता में। ठीक है, तो आशियान ने म्यांमार में जो एनॉय अपॉइंट किया है, अपना दूत अपॉइंट किया है, वो क्या है, अरवान यूसुफ को। तो ये कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्वेश्चन ये है। वेरी गुड, तो ये ब्रुनेई के फॉरेन मिनिस्टर हैं। कौन सी कंट्री के, ब्रुनेई के, बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है, एक्सप्लेनेशन अभी आज ज्यादा नहीं दे रहा हूं, जिनको एक्सप्लेनेशन देखनी है प्रीवियस वाले लेक्चर सब देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आ चुका है ना, तो इसीलिए अभी एक्सप्लेनेशन नहीं, अभी आंखों के नजरों के सामने से निकाल रहे हैं क्वेश्चन को हम लोग बस। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्या, सितंबर 2021 राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्र इनोग्रेटेड द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अजोला प्रोडक्शन एंड वर्मी कंपोस्ट यूनिट एट द गार्डन ऑफ राजभवन द यूनिट वर सेटअप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। राजस्थान के गवर्नर जी ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अजोला प्रोडक्शन और वर्मी कोस्ट, जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है, उसकी यूनिट लगाई है राजभवन में। ठीक है, तो इसको सेटअप किसने किया है, बात ये चल रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने सेटअप किया, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर ने इसे एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, ग्लोबल इकोसिस्टम इंडेक्स में कौन सी सिटी टॉप पर आई है, यही तो क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज टॉप्ड द ग्लोबल इकोसिस्टम रिपोर्ट में कौन सी सिटी टॉप पर आई है। ठीक है, सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं,
वेरी गुड वेरी गुड, सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली टॉप पर आई है, पता चल गया, सिलिकॉन वैली टॉप पर आई है। चलो आगे आगे, ये तो पोर्ट टैक्सी वाला तो आता है नोएडा के अंदर, नोएडा के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की नींव भी रखी है हमारे कौन से मिनिस्टर ने, किशन जी ने, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, है ना, तो किशन कुमार जी ने। तो बात ये चलती है हमारी नोएडा के अंदर जो पोर्ट टैक्सी का कंसेप्ट आया उसमें 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं, पोर्ट टैक्सी पिक्चर भी दिखाई थी कल ही, 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं उस पोर्ट टैक्सी में, ठीक है। आगे आता है विच स्टेट हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, तो जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, हर बार रोंग हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है अनुराग। चलो तो हाँ बिल्कुल साजिया खान, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे अगला क्वेश्चन, फाउंडेशन स्टोन किसका, अरे फाउंडेशन स्टोन रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया वो ओडिशा में रखा गया, कहाँ पर, ओडिशा के अंदर, वही ओडिशा जहां पर इंडिया का पहला फायर पार्क लगा था, ओडिशा के भुवनेश्वर में, कौन सा पार्क, फायर पार्क, इंडिया का पहला फायर पार्क ओडिशा, इंडिया का पहला वॉटर पार्क गुरुग्राम, इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क गोवा, ठीक है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो वॉटर पार्क, ये वाला वॉटर की बात चल रही है, ठीक है, मतदाता वाला कहीं वो समझ लो, पानी वाला वॉटर पार्क, ठीक है, ये गुरुग्राम में लगाया गया था। आगे बात कर लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, हु हैज रिलीज्ड द 9th इंटीग्रेटेड रेटिंग फॉर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज इन न्यू दिल्ली, बात ये चल रही है स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज नई दिल्ली में, जो इसका 9th इंटीग्रेटेड रेटिंग है वो किसने रिलीज किया है, बिल्कुल सही, अपन नीचे के ऑप्शन नहीं देख पाते हैं, आंसर दे देते हैं इसलिए, कोई वही तो है ना, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है चलिएगा। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने इसका आंसर दिया है, आर के सिंह साहब, किसने, आर के सिंह जी ने। चलो अगला क्वेश्चन आता है कार फ्री डे, इंटरनेशनल कार फ्री डे, कार फ्री डे कब मनाया जाता है, टू मोटिवेट द मोटरिस्ट टू गिव अप देयर कार फॉर अ सिंगल डे, इस दिन कार ना चलाएं, ठीक है यहाँ पर बोला जाता है इस दिन कार ना चलाएं, एक दिन कार फ्री डे, इंटरनेशनल कार फ्री डे कब मनाया जाता है, जल्दी से बताना आप लोगों को, वेरी गुड हिरांति, अंकित बा, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कार फ्री डे की बात चल रही है, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल कार फ्री डे, कब मनाया जाता है, 22nd ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। अगला दीपक काबरा, अब ये तो नहीं पूछोगे ना, कल ही बताया है ओलंपिक्स के अंदर दीपक काबरा पहले जज बने थे, है ना आपको मैंने बताया था, जल्दी से बता दो, अरे वही सेम स्पोर्ट्स है जिससे सिमोना बाइल्स रिलेट करती है, वो सिमोना बाइल जो यूएसए की प्लेयर है, वही सिमोना बाइल जिनके नाम पर ट्विटर ने इमोजी भी रिलीज किया था, ठीक है। दीपा क्रमाकर भी इसी स्पोर्ट से रिलेट करती है, अब तो नाम बताना पड़ेगा, पहले इंडियन जिम्नास्ट जज बने थे, अरे मैंने तो आंसर ही दे दिया, पहले इंडियन जिम्नास्ट जज बने थे, कौन से बने थे, पहले इंडियन जिम्नास्ट जज, चलो सभी ने आंसर सही दिया वैसे तो, पहले इंडियन जिम्नास्ट जज कौन बने थे, दीपक काबरा। ओलंपिक के बारे में सारी न्यूज कल बताइए, सारी देख कर जाना, एक एक कितने मेडल हैं, किसको कौन सा मेडल मिला है, कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट से रिलेट करता है, कौन सा प्लेयर कौन से स्टेट से रिलेट करता है, ठीक है आगे बात कर लेते हैं फिर हम लोग। अगला क्या आता है, रशिया हैज डिक्लेयर्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी, ओपन स्काई ट्रीटी पता है ना कि वो जो आपस में एक दूसरे के जो बाउंड्री में क्रॉस करने के लिए, एयर बाउंड्री में क्रॉस करने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, ये एक ट्रीटी है, रशिया ने कहा मैं उससे अपना नाम वापस ले रहा हूं, रशिया हैज डिक्लेयर्ड इट्स विथड्रॉल फ्रॉम द ओपन स्काई ट्रीटी ऑन सर्विलांसेस, ओके व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रशिया, अरे ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रशिया, ठीक है मॉस्को एंड रूबल, चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, इन अगस्त 2021 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट इन द यूएस बेस्ड अर्बन ड्रोन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म मैटर, यहाँ पर क्या है, मैटर नेट, तो जल्दी से बताना आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन यूएस बेस्ड अर्बन ड्रोन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म मैटर नेट, तो बात यहाँ पर ये चल रही है, जल्दी से बता दो, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, कौन इन्वेस्टमेंट करने वाला है,
कौन इन्वेस्टमेंट करने वाला है ये यूएसए की कंपनी में, यूएसए की कंपनी में कौन इन्वेस्टमेंट करने वाला है, बिल्कुल सही, ये कर रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक हो गई बात। रतन इंडिया यूएसए बेस्ड अर्बन ड्रोन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, एज अ पार्ट ऑफ आजादी के अमृत महोत्सव द इंडियन नेवी अंडर द एजेस ऑफ इंडियन नेवी सेलिंग एसोसिएशन हैज प्लान टू कंडक्ट सेलिंग रिगेट्स एंड सेल परेड। ओके सेल परेड द फर्स्ट इवेंट विल बी कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला इवेंट कहां पर कंडक्ट होगा जो आजादी के अमृत महोत्सव में, ठीक है, स्पेशल जो सेल परेड होगी और स्पेशल वो जो कह सकते हैं इसके अंदर छोटे छोटे से कंपटीशन होंगे, वो पहला जो है वो कहां पर, फर्स्ट इवेंट कहां पर कंडक्ट किया जाएगा, क्वेश्चन ये है। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। पहला इवेंट कहां पर कंडक्ट किया जाएगा, इंडियन नेवल वॉटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कोची में। ठीक है, बिल्कुल सही, कोची में। चलो अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, अगला क्वेश्चन ये आता है द एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना है, जल्दी बता दो यहां पर 25 अगस्त 2021 से पहले का जो डाटा आया है कितने करोड़ पार कर चुके हैं अटल पेंशन योजना, उम्र बता दो जल्दी से, अटल पेंशन योजना में मैक्सिमम कितने उम्र तक के लोग इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर तो आपको पहले ही पता है, और एज बता दो जल्दी से, एज अटल पेंशन योजना के अंदर कितने एज है ना, आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना बता दी, मुद्रा योजना बता दी, स्वयं बता दिया, स्वयं प्रभा याद है ना, स्वयं प्रभा, दीक्षा प्लेटफॉर्म, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, सारी योजनाएं पढ़ा चुका हूं, एक बार जल्दी जल्दी से उसको रीड कर लेना। ठीक है, चलिएगा, तो एज आपने बता दी है, बिल्कुल मैक्सिमम 40 साल है, 18 से 40 साल। चलो आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, ये हु विल इनॉग्रेट द नेशनल वेबिनार लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड रोल ऑफ पंचायत गोल नंबर 2 जीरो हंगर इन अगस्त 2021। आपको पता है यूनाइटेड नेशन के टोटल गोल कितने हैं, 17, सारे के सारों में से ऊपर वाले 7-8 पर नजर मार के जाना, पहले नंबर पर कौन सा आता है, दूसरे पर कौन सा आता है, तीसरे पर कौन सा आता है। ठीक है, चलो तो बात ये चल रही है, अभी एक वेबिनार हुआ लोकलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, यहाँ पर पंचायत में जीरो हंगर वाला। ठीक है, तो अब बात ये चल रही है, ये जो वेबिनार था वो किसने इनोग्रेट किया, किसने किया, गिरिराज सिंह जी ने, किसने किया, गिरिराज सिंह जी ने, नमो नमो नहीं है, गिरिराज सिंह जी ने, ठीक है, इसको इनोग्रेट किया था। चलो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर ईकेवाईसी के लिए Which of the following document is necessary for EKYC? EKYC के लिए कौन सा document necessary है? Simple सी बात है। EKYC की बात चल रही है, तो कौन सा necessary होगा? आधार कार्ड। आधार कार्ड है तो EKYC हो जाएगा। EKYC क्या होता है? आप वहां पर जाकर अपना फिंगर दबाएंगे। फिंगर वहां पर उनके जो मशीन होती है ना बायोमेट्रिक वाली, वहां पर अपना फिंगर टच करेंगे और वो ट्रांजेक्शन अपने आप ही आधार कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे, है ना, तो उसको बोला जाता है ईकेवाईसी। केवाईसी की फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, उसके बाद आती है केवाईसीसी की फुल फॉर्म नो योर कस्टमर्स कस्टमर, याद रखना नो योर कस्टमर्स कस्टमर। फिर आता है केवाईबी नो योर बिजनेस, नो योर बिजनेस, ठीक है। फिर और क्या आता है, केवाईसी डे कब होता है, केवाईसी डे होता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त, ये होता है केवाईसी डे। फिर मैंने आपको पता है वो बता रखा है हाई रिस्क वाले कस्टमर को कितने टाइम के बाद केवाईसी देना है, मीडियम रिस्क वाले कस्टमर को कितने टाइम के बाद अपना दोबारा केवाईसी देना है, लो रिस्क वाले कस्टमर को कितने टाइम के बाद दोबारा अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जल्दी से लिख दो, है ना, वेरी गुड, जल्दी से बताओ आंसर, ऐसे मत दिया करो। अरे ई केवाईसी चल रहा है, यहां पर अगर ये ना होता ना ई, तब आपका आंसर यहां पर ओल आता, ठीक है, यहां पर स्पेशल वर्ड ई दे रखा है, ठीक है, स्पेशल वर्ड ई दे रखा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ई केवाईसी की बात चल रही है। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अनुराग ने बता दिया है, हाई रिस्क वालों को हर एक 2 साल के बाद, हाई रिस्क वालों को अपना केवाईसी नॉर्म्स हर एक 2 साल के बाद, मीडियम रिस्क वालों को 8 साल के बाद, लो रिस्क वालों को हर एक 10 साल के बाद अपना केवाईसी नॉर्म्स देना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया सारों ने, ऋषभ ने भी बिल्कुल सही बताया है।
ठीक है, निखिल, स्नेहा जाखड़ जी समझ गए ना, अनुराग, साजिया खान, अरे कुछ भी ऐसा हो ना कि जो मैं ऐसा लग रहा हूँ कि सर समझ में नहीं आया तो उस समय मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं कमेंट साथ इसलिए थोड़े थोड़े देख रहा हूँ, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या था, इन सितंबर 2021 हु लॉन्च द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इन सितंबर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात चल रही है, ठीक है। तो जहां पर मतलब सारे के सारे अलग अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर सारे के सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो जाएंगे, तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात चल रही है, बहुत बढ़िया चलेगा। तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने, किसने लॉन्च किया इसको, पीयूष गोयल जी ने, कोई बात नहीं, पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गोयल जी ने लॉन्च किया। अगला, अब आरबीआई के बारे में बात चल रही है, आरबीआई के बारे में बात चल रही है, यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन लास्ट लाइन पढ़ेंगे, विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विद द चेक। आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन किस में आती है, सेक्शन 13 में, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से प्रॉमिसरी नोट किस में आते हैं, सेक्शन 4 में, प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस में आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस में आते हैं, 5 में। चेक किस में आते हैं, 6 में। और डिस्काउंटिंग बिल का डिसऑनरिंग किस में आती है, सेक्शन 138 में। क्लियर हो गई बात, ये तो पता है ना, सेक्शन 13 में क्या आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, 4 में प्रॉमिसरी नोट, 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक 6 में आते हैं, 138 में क्या आता है, चेक का डिसओनर होना। पूरे डिटेल से सब दाया हुआ है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, कॉन्टिन्यूसली बने रहा करो यार, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली बने रहोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर याद है ना, 13 में, 4 में, 5 में, 6 में और 138 में क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन 6 है, चेक में, चेक किस में, 6 में है। चलो अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय द रॉस कांग्रेस टू रिप्रेजेंट द एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम एट द 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। बात ये चल रही है, किसको रॉस कांग्रेस द्वारा 6th पूर्वी आर्थिक मंच में भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है। बिल्कुल सही, तो ये जो अभी आमंत्रित किए गए हैं वो करणवीर सिंह जी को आमंत्रित किया गया है। अगला, आगे बात चलती है हमारे, अभी हाल ही में 65th AIAEA जनरल कॉन्फ्रेंस के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, IAEA की फुल फॉर्म लिखो जल्दी से, पहले नीचे कमेंट बॉक्स में IAEA की फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही सिंपल है, क्या ये तो नहीं है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या ये तो नहीं है क्या, या कुछ हो रहा है, जल्दी से लिख दो एक बार फुल फॉर्म, और उसके बाद आपको साथ साथ ये लिखना है उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, ठीक है, सारे लिखिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, देखो एक इतनी सी देर में आपको इतने सारे क्वेश्चन कराने हैं, ये 7th नहीं है, पहले इसका फर्स्ट पार्ट निकल चुका है, कहीं ये सोचो 7 ही क्वेश्चन हुए हैं, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इसके अगर बात चलती है प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, तो प्रेसिडेंट कौन है, एच ई सादिक एम माराफी, ठीक है। अगला, विच कंट्री लॉन्च द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद द यूएसए एंड अदर नाटो कंट्रीज इन सितंबर 2021। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। स्विफ्ट, अरे स्विफ्ट तो याद है ना, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। तो बात ये चल रही है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूएस साथ में नाटो कंट्री और किसके बीच हुई है, वेरी गुड। तो बात चलती है तो ये किसके बीच, यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन यूएस और नाटो कंट्रीज, यूक्रेन यूएस और नाटो कंट्रीज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन,
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज नॉट वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ बैंक. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल पता है ना, पीएसएल की नई गाइडलाइंस के ऊपर भी लेक्चर बना चुका हूं मैं, पीएसएल के बारे में जो नई बातें आई हैं, ठीक है. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है कि इंडिया के जो भी बैंक काम करते हैं एक साल में जितना टोटल उधार देते हैं उसका 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है. फॉरेन बैंक को भी 40% गरीब सेक्टर को देना पड़ता है. आरआरबी को 75% देना पड़ता है. स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 75% देना पड़ता है. फिर इस 40 में से आगे 18% एग्रीकल्चर को देंगे. सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है. एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का चैप्टर भी यूट्यूब पर पड़ा है, ठीक है. चलो तो अभी बात चीज चलती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये टारगेट जो है वो कौन से बैंक फॉलो नहीं करते हैं. क्वेश्चन यही है क्या? हाँ, क्वेश्चन यही है. पब्लिक सेक्टर बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक या हमारे फॉरेन बैंक, कौन बताने वाला है? पेमेंट बैंक. सिंपल है. क्या पेमेंट बैंक लोन देते हैं? क्या पेमेंट बैंक लोन ही नहीं देते बेचारे? टारगेट क्या पूरा करेंगे बेचारे? डिपॉजिट भी लेते हैं लेकिन वो डिपॉजिट भी 2 लाख तक ले सकते हैं बेचारे, ज्यादा काम कर ही नहीं सकते हैं. 2 लाख तक डिपॉजिट ले सकते हैं, लोन दे नहीं सकते हैं किसी को. आरडी और एफडी वो ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सिंपल सी बात है. और अगर ये लोन नहीं देते हैं तो पैसे का क्या करते हैं? ये 75% पैसा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा देते हैं. वहां से जो पैसा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो लोगों को बांट देंगे फिर, और 25% दूसरे बैंकों में डाल देते हैं, ठीक है. सभी को याद रखना है. पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना था? एयरटेल पेमेंट बैंक. पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना था? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल बैंक को ओपन करने के लिए कैपिटल कितनी चाहिए होती है? 200 करोड़. पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए होती है. पहला ऐसा कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था उसका नाम क्या था? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक. दूसरा कौन सा था? वो हमारा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी. दूसरा ऐसा कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने जा रहा है उसका नाम है पीएमसी. पहला शिवालिक, ठीक है. चलो समझ में आ गया, चलेगा. जब लाइसेंस दिया गया था तो ये टोटल के टोटल 11 पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया गया था और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिया गया था. चलो आगे बात करें. अगला क्वेश्चन क्या आता है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है. उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? टू फोस्टर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी थ्रू द ग्लोबल इनविटीज प्रमोटिंग हेल्थ एंड स्पोर्ट फॉर एवरी बॉडी एवरीवेयर. हाँ भाई, बात चल रही है अभी हाल ही में WHO ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, बस ये बताना है आपको. इतना सा क्वेश्चन है. WHO ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के साथ. कितना है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ठीक है. पैरालंपिक में इंडिया में कितने मेडल आए पता है आपको? पैरालंपिक्स में वर्ल्ड में इंडिया का स्थान क्या था? पैरा ओलंपिक में है ना, हुआ था ना पैरालंपिक में, तो कौन सा स्थान था? 24वां स्थान था, ठीक है. सारी बातें आपको बता रखा है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है. उसके बाद बात कर लेते हैं जुलाई में जो ई वे बिल कटे हैं, ई वे बिल कितने जनरेट हुए? ई वे बिल पता है ना, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इंटरस्टेट, स्टेट के अंदर अंदर इंट्रास्टेट, ई वे बिल जीएसटी में आते हैं. यहाँ पर जुलाई में कितने कटे हैं? 64. क्या चीज? 64. यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द हाउ मेनी मिलियन, कितने मिलियन? 64 मिलियन ई वे बिल काटे गए हैं, ठीक है. चलिएगा आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर. चलिए, वेरी गुड. आगे देखो क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद इंटेल टू डेवलप द 5G नेटवर्क बाय लिवरेजिंग वर्चुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क एंड ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद इंटेल, किसने इंटेल के साथ कोलैबोरेशन किया है, ठीक है. चलो अब आपसे बिल्कुल सभी ने आंसर, कईयों ने सही दिया, कईयों ने गलत दिया, कोई बात नहीं. भारतीय एयरटेल. क्या आंसर है? भारतीय एयरटेल. अब आगे बात क्या चल रही है? भारतीय एयरटेल पता चल गया. अच्छा एक और क्वेश्चन बताना, हमारा जो फास्टैग है ना, फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करता है? फास्टैग, अरे पता है ना फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, एक तो ये बताना है. और जिस टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है उस पर एक और सिस्टम भी काम करता है जिसका नाम है NFC. NFC भी काम करता है.
ये दोनों सेम टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। एक तो NFC का फुल फॉर्म बता दो, दूसरा टेक्नोलॉजी। चलो टेक्नोलॉजी तो निखिल ने सबसे पहले बता दिया, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया निखिल। और ये NFC भी उसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। NFC पता नहीं क्या होता है, अरे यार जैसे आजकल क्या होता है कि आपको सामने वाले को कार्ड देने की नीड नहीं है, उसकी POS मशीन पर जरा सा टच करो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है कि नहीं होता है? मशीन पर जरा सा टच करो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट, पिन नंबर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, पता है ना, पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिस्टम नया बना था NFC। NFC का फुल फॉर्म बिल्कुल नागौर जी ने सही बताया, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही। निखिल ने भी सही बताया, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, वेरी गुड हिरांति, चलेगा साजिया खान, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको पता चल गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड अ 92 मिलियन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक फॉर अ क्लाइमेट रिजिलियंस मल्टी फेज्ड प्रोग्राम फेज 1 प्रोजेक्ट। बात क्या चल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड अ 92 मिलियन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, 92 मिलियन का फाइनेंसिंग एग्रीमेंट किसने साइन किया है? हाँ जल्दी से बता दीजिएगा, किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। तो वर्ल्ड बैंक के साथ श्रीलंका ने साइन किया है, किसने? श्रीलंका ने साइन किया है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर हूज लिबरल पार्टी इन कैनेडा हैज नैरोली वॉन पार्लियामेंट्री इलेक्शन बट इट फेल्ड टू सिक्योर अ मेजोरिटी, मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई, मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाए। तो बात ये चल रही है, कौन सी लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है लेकिन मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई? वेरी गुड, कौन सी? वेरी गुड, वेरी गुड, जस्टिन ट्रूडो की। कनाडा में कौन सी सरकार है? जस्टिन ट्रूडो की। अच्छा कनाडा के मॉन्ट्रियल में किसका हेडक्वार्टर है? जल्दी से बता दो, कनाडा के मॉन्ट्रियल में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आता है, व्हेन द नेशनल इनकम ऑफ अ इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होती है वो किस पर होती है? NNPFC पर, नेट नेशनल इनकम ऑन फैक्टर कॉस्ट। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, तो आंसर तो फैक्टर कॉस्ट आएगा, ठीक है? किस पर कैलकुलेट होती है? फैक्टर कॉस्ट पर, बिल्कुल सही है, ठीक है? आई एम बैंक PO, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आप बैंक PO है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, अगला क्वेश्चन फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला है। तो आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, शॉर्टफॉल करने पर क्या होता है? शॉर्टफॉल करने पर अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट पूरा नहीं करते हैं, यही क्वेश्चन होगा शायद। हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ऋण की कमी के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट सही है, उन्होंने ये बोल रखा है, टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो उनको किसको देना पड़ता है? नाबार्ड को। नाबार्ड एक फंड मेंटेन करता है, RIDF फंड। तो जल्दी से मुझे बस ये बता दो, RIDF फंड में इस साल के बजट में भारत सरकार ने कितना पैसा डाला है, ये बताओ। RIDF फंड में इस साल के बजट में भारत सरकार ने कितना पैसा डाला है, ठीक है? जल्दी से कौन बताने वाला, भारत सरकार ने RIDF फंड में कितना पैसा डाला? दूसरा ये बताओ, बैंकों को कितने पैसे से रिकैपिटलाइज किया गया इस बार, बैंकों में भारत सरकार ने सरकारी बैंकों में कितना पैसा डाला है, ये भी जल्दी से बता दो, ठीक है? वेरी गुड, आंसर दे दीजिएगा जल्दी जल्दी से, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, वेरी गुड। तो RIDF फंड में यहाँ पर कमेंट आ गया, नहीं 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 अनुराग जी, यहाँ पर 30 से 40 हजार करोड़ कर दिया है, पहले 30 हजार करोड़ था, 30 हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ कर दिया है, बजट में पढ़ाया है 30 हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर बैंकों को रिकैपिटलाइज कितने से किया है? 20 हजार करोड़ से, ठीक है? 20 हजार करोड़ से। ओके, SBI मेंस नेम सुधीर कुमार, वेरी गुड, योर क्लास इज बेस्ट, माई ब्रदर ऑल्सो नेम सब्सक्राइबर, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुधीर कुमार जी, थैंक यू सो मच, ओके चलिएगा, तो पता चल गया, चलो कोई बात नहीं। अरे बजट का ना पूरा का पूरा लेक्चर बनाया था SBI अप्रेंटिस के लिए, वो पढ़ लेना, फिर भी अगर आपको और पढ़ने का मन करे तो बजट की पूरी PDF सेंड कर दूंगा, जितने भी क्वेश्चन चाहिए ना आपको पढ़ना है, मैं पहले से ये कह रहा हूँ। मतलब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ऐसा करते हैं प्री के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो ऐसा थोड़ा सा कम सोचना,
आने वाले टाइम के लिए, ये वाला ही टाइम के लिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर भी चुके हैं और आपकी तैयारी हो भी गई है। अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहो, ठीक है। चलो तो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगला क्या था, एनबीएफसी के बारे में। ऑम्बड्समैन स्कीम ऑफ एनबीएफसी इज लॉन्च अंडर द विच सेक्शन, ये हुई है सेक्शन 45L में आरबीआई एक्ट के। एनबीएफसी के बारे में बताना एक बार, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में एक बार इसके बारे में मुझे बताओ। एनबीएफसी के बारे में क्वेश्चन क्या आया था, एनबीएफसी जो टर्म डिपॉजिट लेते हैं, एनबीएफसी जो आरडी और एफडी ओपन करते हैं ना, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट इन द केस ऑफ एनबीएफसी जल्दी बता दो। वेरी गुड, बहुत चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, बहुत सर इस बार स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत चर्चा में है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ना मैंने स्पेसिफिकली कुछ न्यूज भी इकट्ठे की है, अगर उसको आपको चाहिए हो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक दोनों के न्यूज, मैंने बैचेस में तो चैप्टर को पढ़ाया है, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं यूट्यूब पर भी आप लोगों को वो पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी न्यूज में चल रहे थे उनके बारे में, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर आंसर तो किसी ने भी सही नहीं दिया है अभी तक भी, ठीक है। इसका मतलब ये कि करंट अफेयर थोड़े पढ़ रहे हैं, बैंकिंग में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, ठीक है, चलिएगा। देखो अनुराग जी, इसका आंसर जो है वो है 60 मंथ। अगर मैं बात कर लेता हूं एनबीएफसी के केस में, 5 साल हो गए ना 60 मंथ, और बैंक की मैं बात कर ले तो बैंक आरडी और एफडी ओपन करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल के लिए, 120 महीनों के लिए, ठीक है, 120 महीने के लिए। और एनबीएफसी 120 महीने के लिए नहीं, एनबीएफसी 60 महीने के लिए करते हैं, और बैंक जो ओपन करते हैं वो कितने महीने के लिए करते हैं, बैंक 120 महीने के लिए करते हैं आरडी और एफडी ओपन, ठीक है, समझ में आ गया। और आरडी की बात कर लेते हैं, बैंक में मिनिमम 6 महीने के लिए होती है, मैक्सिमम 10 साल के लिए होती है। एफडी की बात कर लेते हैं, बैंक में मिनिमम 7 डेज के लिए होती है, मैक्सिमम 10 साल के लिए होती है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है ये सारी चीजें, चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से हो चुकी है और आपने बहुत सारी चीजें पहले सेशंस में भी पढ़ी है, ये मत सोचना कि एक ही सेशन में सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो पहले सेशंस भी आप लोगों ने जो लगाए हैं तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, करंट अफेयर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। मेरी ओर से सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से पेपर कर आना है, एग्जाम करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, फ्री माइंड होकर जाना और अपने माइंड में ये सोचकर जाना हमें सब आता है, कोई ये सोचकर मत जाना कि हमें कुछ नहीं आता है, जो ये सोचकर जाएगा ना वहां पर वैसे ही डिमोटिवेट रहेगा। एग्जाम में ये सोचकर जाना हमें सब आता है, बस हमें करना है, हमें सब आता है, इतना सा अगर आपने सोच लिया ना तो एग्जाम आपका क्वालिफाई जरूर होगा। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे तरीके से एग्जाम कर आइएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके हाँ बिल्कुल, प्रगति की बात कर लेते हैं फॉर LIC डेवलपमेंट ऑफिसर, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, बिल्कुल थैंक गॉड जी, मैं आपको इनको पहले पढ़ा चुका हूँ प्रगति वाला, ठीक है, चलेगा। वेरी गुड, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।